दोस्तों बात करने वाले आरबीएल के शेयर के बारे में। जैसा कि दोस्तों मैंने कल शाम को वीडियो बना के बताया था कि दोस्तों आज मंडे को बड़ा ब्लास्ट होगा, क्योंकि जिस प्रकार फ्राइडे को अपडेट आई थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब जो बड़ी तेजी वो आनी थी एंड वो आ चुकी है। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ से क्या अगेन हमें 700 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा, क्या नया हाई लग पाएंगे, क्योंकि अभी के टाइम इन्वेस्टर फिर से पॉजिटिव हो रहे हैं। क्योंकि देखो भाई, आज मार्केट से अनुमान था कि मार्केट हमें करेक्शन दिखाएगा, क्योंकि जो सेबी के ऊपर एलिगेशन यहाँ पे लगे हैं उसको लेकर मार्केट में थोड़ा डर सा माहौल था। बट यहाँ से अच्छी बात है कि डीआई वालों ने मार्केट को संभाला एंड अच्छे स्टॉक में आज एक अच्छी खरीदारी होते हुए नजर आई है। बात करें आरबीएल की तो आरबीएल अभी के टाइम भाई 11% की एक बड़ी तेजी के साथ हमें रॉकेट की तरह ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। कई लोगों को लॉस हो रहा था, आज की तेजी ने दोस्तों सारा लॉस कवर कर दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों आगे हमारे टारगेट कितने रहने चाहिए, हमें क्या स्टॉक में डिसीजन लेने चाहिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में अपन करेंगे, मतलब यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ पे ये भी देखेंगे किस लेवल से टारगेट कितने रहने चाहिए, क्या 700 रुपये का टारगेट दिखेगा या दिवाली तक दिखेगा, मतलब कितने वेट तक यहाँ पे हमें नया हाई देखने को मिल जाएंगे, मतलब वेट करना है या भी सेल कर देना है। जैसा कि डाटा बता दूँ, जो आज के इंट्राडे हाई थे 583 रुपये के आसपास के इंट्राडे हाई देखने को मिल रहे हैं, वही ओपन हुआ था दोस्तों 524 पे। ऑलमोस्ट भाई स्टॉक अभी के टाइम हमें 56 रुपये ऊपर देखने को मिल रहा है, मतलब अपने जो ओपनिंग है उससे भी ऊपर स्टॉक आता हुआ नजर आ रहा है। मेन चीज़ आज बहुत बढ़िया वॉल्यूम आई है, ऑलमोस्ट 3046 करोड़ के टोटल आज के ट्रांजेक्शन देखने को मिले, जो कि बहुत बड़े हैं। नॉर्मल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भाई आज कम से कम 2-3 गुना वॉल्यूम हमें बढ़ती हुई नजर आई है। जैसा कि आप देख सकते हो 542 करोड़ शेयर में, सॉरी 542 लाख शेयर में यहाँ पे ट्रेड होते हुए देखने को मिले। अब इसमें से आप डिलीवरी देखोगे तो भाई 22% शेयर ऐसे जो हमें डिलीवरी में जाते हुए नजर आए। एंड आपको बता दूं मैं कि जब शेयर गिर रहा था, क्वार्टर वन के रिजल्ट आए थे, मार्केट की उम्मीदें रिजल्ट से अच्छी थी, उम्मीदें पूरी नहीं हुई, उसके बाद मैंने देखा कि स्टॉक ने कम से कम 10% की गिरावट दिखाई एंड इसी रेंज से स्टॉक हमें गिरता हुआ देखने को मिला था। अब जैसे ही एक पॉजिटिव अपडेट आई तो रिजल्ट में जो सारी नेगेटिविटी थी, जो सारी गिरावट थी, उन सबको रिकवरी कर दिया है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे रिटेल इन्वेस्टर फिर से पॉजिटिव हो रहा है, रिटेल को फिर से लग रहा है कि यहाँ पे बाउंस आएगा। एंड एक चीज़ हमने देखी गिरावट के अंदर कि भाई जब स्टॉक गिर रहा था ना तो स्टॉक में जो डिलीवरी थी ना वो बढ़ रही थी। जैसा कि अभी के टाइम आप देख रहे हो कि 5.42 करोड़ की टोटल आज की वॉल्यूम है, डिलीवरी स्टॉक के अभी के टाइम 22% की है, पहले स्टॉक की डिलीवरी बढ़ के ऑलमोस्ट 40% तक हमें देखने को मिले, इस लेवल से लगभग भाई डबल थी डिलीवरी। तो अभी के टाइम डिलीवरी घट चुकी है, इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम बढ़ चुके हैं। अभी भी अगर देखो कि आज दोस्तों नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो नॉर्मल दिन थे वहां पे जितनी वॉल्यूम थी ना आज उतनी तो डिलीवरी है स्टॉक के अंदर 42%, मतलब यहाँ पे 21% के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कम से कम भाई स्टॉक के अंदर आज यहाँ पे 200 करोड़ रुपये के आसपास का इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल रहा है। करंट टाइम पे देखा जाए तो 21 लाख अभी के टाइम सेलर है एंड 24 लाख हमें बायर देखने को मिल रहा है। अब देखो भाई, लोग यही पूछेंगे कि भाई देखो आप बोल रहे हो कि भाई ये तो यहाँ से 700 जाएगा 800 जाएगा, कैसे जाएगा? देखिए 800 मैं ये नहीं कह रहा कि अभी 800 चला जाएगा, जिस प्रकार दोस्तों रिजल्ट से उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई एंड इस तेजी को देख के आपको ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं होना कि आप सोचने लग जाओ कि अब तो ये नहीं रुकेगा, क्योंकि ये न्यूज बेसिस तेजी है। एक चीज ध्यान रखना कि अभी के टाइम पी के अकॉर्डिंग शेयर ओवर वैल्यूड में नजर आ रहा है, तो यहाँ से ऐसा तो नहीं होगा कि कंटिन्यू भागता रहेगा, ओवर वैल्यूड होने के बावजूद भी नहीं भागेगा। अभी टेक्निकली देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि यहाँ से नॉर्मली अगर देखा जाए स्टॉक के चार्ट के अकॉर्डिंग तो कितने टारगेट यहाँ से हमें बनते हुए नजर आ सकते हैं। क्या हमारा लॉस, जैसा कि आपको पता है कि स्टॉक ने जो यहाँ पे हाई है वो 647 रुपये के लगाए थे, तो कई लोग ऐसे जिन्होंने 610 रुपये 620 रुपये के आसपास अपनी बाइंग कर रखी, मतलब हायर लेवल पर उनकी बाइंग है, तो उनको क्या करना चाहिए? देखो मैंने हर एक डिप में आपको बोला था कि आप एवरेज कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि स्टॉक 500 का लेवल ब्रेक करके 400 भी आ जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि मार्केट में दोस्तों वैल्यू बाहर रहते हैं। क्या करते हैं कि कोई भी स्टॉक मान के चलो रिजल्ट खराब आया तो हम रिटेल क्या करते हैं, एक रिजल्ट को देखे स्टॉक को जज करते हैं, बट उनको पता है कि आज खराब है तो अगले रिजल्ट में कंपनी रिकवर कर लेगी, अगले रिजल्ट में और बेटर आ जाएगा, जाना तो स्टॉक को ऊपर ही, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आगे तो कंपनी जाने वाली है। तो वो क्या करते हैं, गिरावट में जो रिटेल शेयर बेचते हैं उनको वो खरीद लेते हैं एंड इसके बाद जैसे ही शेयर में स्टेबिलिटी आती है, पॉजिटिव अपडेट आता है, तो अभी के टाइम जैसे आज ये भागा मान के चलो स्टॉक अगेन हमें यहाँ पे 10% ऊपर आता हुआ नजर आया तो वापस से वो सप्लाई बढ़ा देंगे ताकि स्टॉक हमें रुकता हुआ नजर आ जाए। मतलब यहाँ पे दो चीज़ें चलता मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई में, इनको आप समझ गए तो मार्केट में कई सारी चीज़ें आप समझ जाओगे। यहाँ पे अभी के टाइम बता दूं मैं तो इंट्राडे चार्ट में आपने देखा कि आरबीएल के शेयर के अंदर देखो टोटली देखेंगे यहाँ पे तो ओपन हुआ, उसके बाद हमें स्टॉक अप ट्रेंड पकड़ता हुआ देखने को मिला, स्टॉक भाई नीचे आए नहीं, नॉर्मल स्टॉक ने टोटली सारा दिन यहाँ पे अप ट्रेंड में देखने को मिला। देखिए इस तेजी के पीछे कई लोगों को ये पता कि भाई ऐसी क्या अपडेट आ गई कि ये भाग रहा, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस तेजी के पीछे अपडेट है गवर्नमेंट का जो कैबिनेट मीटिंग में जो अनाउंसमेंट हुई थी 25,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट को लेके, वो है ऑलमोस्ट यहाँ पे गवर्नमेंट ने दोस्तों फ्राइडे के दिन शाम को मीटिंग थी कैबिनेट मीटिंग, उसमें दोस्तों यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई थी। आपको पता है मैं पहले भी दो बार आपको बता चुका हूँ कि 24,657 करोड़ इन्वेस्टमेंट के ऑलराउंड 8 बड़े प्रोजेक्ट थे जो कि यहाँ पे 7 राज्यों में यहाँ पे जो है मतलब गवर्नमेंट है ये प्रोजेक्ट पूरा करेगी, जिसमें रेलवे से ट्रैक से 510 गाँवों को जोड़ा जाएगा, जिसमें ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 25,000 करोड़ के आसपास का गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। ये बहुत बड़ा अपडेट था एंड इसको रेलवे के स्टॉक ने पॉजिटिव लिया। अभी के टाइम आप देख सकते हो रेलवे के सभी शेयर में एक अच्छी तेजी में देखने को मिल रही है, चाहे आप किसी भी शेयर को उठा के देख लो, चाहे आपका रेलटेल हो, चाहे आपका यहाँ पे आया सॉरी जो यहाँ पे आपका इरकोन हो, चाहे आपका आरबीएल हो, चाहे आईएफसी हो, सभी शेयरों में एक अच्छी रिकवरी आज देखने को मिल रही है। एंड देखो आईएफसी एंड आरबीएल एंड इरकोन इन तीनों के बारे में बताऊं मैं तो ये तीनों शेयर एक साथ चलते हैं, जब गिरते हैं एक साथ गिरते हैं यहाँ पे। तो अभी के टाइम अगर बताऊं मैं कि आरबीएल के आगे के टारगेट क्या बनेंगे, क्योंकि आज तो दोस्तों 10% की तेजी है, क्या होता है मार्केट में अभी के टाइम भाग रहा है रिटेल को बहुत अच्छा लग रहा है, बट जब ये एक रेंज में कंसोलिडेट करना स्टार्ट
करेगा, चाहे थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी में जाएगा, क्योंकि आज तो न्यूज का इफेक्ट पड़ा, बट ऐसा नहीं कि न्यूज डेली आने वाली है, न्यूज डेली नहीं आएगी, तो लोग क्या करेंगे, जैसे वोलेटिलिटी आएगी यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट डेफिनेटली करेगा 100% में बता रहा हूँ आपको, कंसोलिडेट ये करने वाला है, क्योंकि कोई भी शेयर ज्यादा दिन भागता नहीं, ज्यादा दिन गिरता नहीं, जैसे ज्यादा दिन रुकता नहीं वैसे भागता भी। देखिए दोस्तों अभी के टाइम जैसा कि आप देखोगे रेलवे के सभी शेयर आपको तेजी में देखने को मिल रहे हैं, आरएनएल भी तेजी में, एंड यहाँ पे आरएनएल का इस तेजी के साथ अगर आप आरएसआई देखोगे तो 54 का आ चुका है। अब देखो ये रिकवरी अगर कंसोलिडेट करेगा तो नॉर्मली 45 के आरएसआई से लेकर यहाँ पे 60 के आरएसआई के बीच में कंसोलिडेट दिखेगा। जैसा कि आपको रेंज मैंने पहले ही बता रखी कि मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 500 रुपए का, ऊपर वाली रेंज अगर बता दूं मैं तो भाई ऊपर वाली रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले स्टॉक के अंदर, ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है यहाँ पे 600 रुपए के आसपास की, तो इस रेंज के बीच हमें थोड़ा बहुत कंसोलिडेट दिख सकता है। बाकी अगर यहाँ पे अगर देखें तो अभी के टाइम दोस्तों कंसोलिडेट वाले फुल पैटर्न बन रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हो कि नया हाई लगेगा तो मेरे हिसाब से अभी के टाइम कोई बड़ी रैली नहीं आने वाली, नॉर्मली ये जो रिकवरी थी क्योंकि नॉन स्टॉप गिरा है तो पॉजिटिव अपडेट आया, तो उसके बाद थोड़ा बहुत अब कंसोलिडेट यहाँ से ही करने वाला, गिरावट के भी चांस नहीं तो तेजी के भी चांस नहीं है, ठीक है। एंड अगर डिप आता तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन पर कंटिन्यू अपडेट्स आपको